तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं फैमिली लॉ के इम्पोर्टेंट केस लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में, जो मुख्य रूप से बायगेमी और धर्म परिवर्तन से रिलेटेड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस के फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, तो ये केस लगभग उसी तरह से है। इस केस में एक हिंदू बंदा होता है जिसे दूसरी शादी करने की चुल मचती है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर कोई भी हिंदू व्यक्ति अपनी पहली वाइफ के जिंदा होते हुए और बिना डाइवोर्स देते हुए अगर दूसरी शादी करता है तो उसके अगेंस्ट में आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत बायगेमी का केस ठोका जा सकता है। इसलिए हिंदू व्यक्ति जो है हिंदू धर्म अपनाते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है। तो ये जो बंदा होता है वो थोड़ा सा चलाकी करता है और अपने धर्म को छोड़ देता है, यानी हिंदू धर्म से अपने आप को अलग कर देता है और अब मुस्लिम धर्म अपना करके दूसरी शादी कर लेता है। सिर्फ और सिर्फ वो जो धर्म अपनाता है वो दूसरी शादी करने के लिए अपनाता है, ऐसा नहीं है कि उसको मुस्लिम धर्म में इंटरेस्ट रहता है, सिर्फ शादी करने के लिए ऐसा करता है। उसके बाद होता क्या है, उसकी जो पहली वाइफ होती है फिर भी उस पर बायगेमी का केस ठोक देती है। तो चलिए अब इस केस के इशू पे आते हैं। इस केस का इशू ये है कि प्रेजेंट केस में जो वो हिंदू बंदा है उसके अगेंस्ट में बायगेमी का केस बनेगा या नहीं बनेगा। जब मामला कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि हस्बैंड ने मुस्लिम धर्म को सिर्फ और सिर्फ दूसरी शादी के लिए अपनाया था, ना कि मुस्लिम धर्म में उसका फेथ था। क्योंकि मुस्लिम धर्म को अपनाना उसका सिर्फ मैरिज का एक पर्पस था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसके द्वारा अपनाए गए मुस्लिम धर्म को नकार देती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आपने सिर्फ मैरिज के पर्पस के लिए मुस्लिम धर्म को अपनाया था, इसलिए इसे हम नहीं मानेंगे और आपको एक हिंदू व्यक्ति ही मानेंगे, ना कि मुस्लिम व्यक्ति। चूँकि आप एक हिंदू व्यक्ति हैं इसलिए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट वाइफ। चूँकि आपने अपने वाइफ के रहते हुए उसे बिना तलाक दिए हुए दूसरी शादी की है, इसलिए आपके अगेंस्ट में आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत बायगेमी का केस चलाया जाएगा और उसे एक पनिशेबल ऑफेंस भी माना गया है और हस्बैंड को सुप्रीम कोर्ट पनिश भी करती है और निम्नलिखित चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। पहला, अगर कोई हिंदू व्यक्ति दूसरी शादी करता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट वाइफ बिना उसे डाइवोर्स दिए हुए तो उस पर बायगेमी का केस चलेगा या नहीं चलेगा, ये रेगुलेट होगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। दूसरा, अगर कोई हिंदू वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत बायगेमी का केस ठोकती है तो वो भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ही रेगुलेट होगा। तीसरा, प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट आईपीसी का सेक्शन 494 को भी एलाबरेट करती है, जो कि बायगेमी की बात करता है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी हिंदू हस्बैंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट वाइफ बिना उससे डाइवोर्स दिए हुए कोई दूसरी शादी करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। और चौथा, रिलीजन इज द मैटर ऑफ फेथ फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट एंड नॉट ईजली इंटरचेंजेबल फॉर द मटेरियलिस्टिक पर्पस। तो इसके के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस केस के नोट्स चाहिए तो उसका पीडीएफ आपको मिल सकता है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। थैंक यू सो मच।